मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। समास बेटे, समास हमेशा दो पदों में होता है, समास हमेशा दो पदों में होता है, यानी दो शब्द जब जुड़ जाते हैं, दो पद जब जुड़ जाते हैं, वहां समास होता है बेटे। संधि होती है दो वर्णों में, जैसे हिम प्लस आलय। अब इसमें इसका अ निकाला और ये वाला अ निकाला, तो दोनों जुड़ के आके मात्रा बन गई हिमालय, दैट वॉज संधि। ठीक है, अब हम कर रहे हैं समास। समास है हिम का आलय, है वही चीज, लेकिन हम इसका विग्रह करेंगे, हिम का आलय, बर्फ का घर, ये समास हुआ। ठीक है, हिमालय का विग्रह होगा हिम का आलय, तो हम इसे लिख देंगे तत्पुरुष समास, या जो समास हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं हम उनका भेद लिख देंगे। ठीक है बच्चे, तो समास होता है, इसमें हमेशा दो पद होते हैं, एक हिम और एक आलय, दो पद होते हैं हमेशा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि समास में हमेशा दो पद होते हैं। ओके, दो पदों का समूह होता है समास। ओके, इसका विग्रह करते हुए, जब भी हम समास का विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह लगता है। ओके, विभक्ति चिन्ह मीन्स कारक का चिन्ह लगता है, जब भी हम समास का विग्रह करते हैं तो कारक का चिन्ह लगता है। समस्त पद बनाएं, एक होता है समास, एक होता है समस्त पद, यानी उसको ज्वाइन कर दो, हिम का आलय का हिमालय बना लो, तो समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, गायब हो जाती है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब समास के कितने भेद हैं वो करते करते, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टू, पहले दो। पहला है द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब इन दोनों का लिखने का तरीका देखिए बच्चे। द्वंद्व समास, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्वंद्व द्विगु। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं द के नीचे व है तो व पूरा है, यहाँ पे मैंने द हलंत वाला डाल दिया और व पूरा लगा दिया, द्विगु। इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, या फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, द्वंद्व। ठीक है, ये हर तरह से राइट है, लेकिन मानक रूप यही है अब समास का, सॉरी शब्द का। ओके, अब द्वंद्व समास हम कर रहे हैं। द्वंद्व मीन्स दो शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, द्वंद्व विपरीत शब्द होते हैं इनमें। ठीक है, इसकी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ये विपरीत शब्द होते हैं, मैक्सिममली नहीं, होते ही विपरीत हैं, दो भिन्न शब्द होते हैं, जैसे माता पिता, दही बड़ा, आ, आ, आग पानी, अर्जुन भीम, भीमार्जुन। ओके, ये होते ही हमेशा दो शब्द विपरीत शब्द हैं, जैसे दही बड़ा, दाल चावल, माँ बाप, इस तरह ये सारे तकरीबन ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं द्वंद्व समास में। ओके, मूविंग टू द सेकेंड वन, द्विगु। मैंने आपको बताया दो होनी है, पद दो होंगे, जैसे दही और बड़ा दो वर्ड्स होंगे, दाल और चावल, माँ और बाप दो दो शब्द होंगे, दो दो पद होंगे इसमें। ठीक है, अब द्विगु में भी दो पद होंगे, बट दिस इज काउंटिंग, इसका पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा, दो पद होंगे लेकिन पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा बच्चे, पहला पद हमेशा संख्यावाची। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वॉन्ट टू से समथिंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वैसे मैंने सबको अनम्यूट ही रखा हुआ है, यू कैन रेज योर हैंड। और चलिए देखिए बच्चे, इसका द्विगु में पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा, फॉर एग्जाम्पल चौराहा, चौमासा,
त्रिफला, ठीक है, चार पाई, पंचामृत। लुक एट दीज वर्ड्स, चौराहा, दो पद हैं, पहला पद संख्यावाची है, चौमासा पहला पद संख्यावाची है, त्रिफला पहला पद संख्यावाची है, त्री मीन्स थ्री, ओके, चार पाई, चार पहला पद संख्यावाची है, पंचामृत, पंच पहला पद संख्यावाची है, ओके। अब इनका विग्रह कैसे करेंगे बेटे, चौराहा, ये मैक्सिममली संस्कृत शब्द होते हैं, संस्कृत में ही समास होते हैं, चौराहा चार राहों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, चार पाई, चार पाइयां हैं जिसकी, यहाँ पे चार पाइयों का समूह, पंचामृत पांच अमृतों का समूह, सप्तऋषि, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, ठीक है। द्विगु में हमेशा काउंटिंग आएगी, पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा। इस बार बेटा एग्जाम्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं या बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं, उसमें हमें मालूम होना चाहिए इसके दोनों पद बराबर होते हैं, इसके दोनों पद बराबर होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। प्लीज डेफिनेशंस अपनी कॉपी पे इन मतलब साइड पे करके लिखते जाएं, इसमें दोनों पद बराबर हैं, इसमें पहला पद संख्यावाची है। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं, नीचे ऑप्शंस दी हुई होंगी, आपको उसका जवाब देना होगा। जिस समास के दोनों पद बराबर हो उस समास को क्या नाम दिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमने दो समास के भेद कर लिए, द्वंद्व और द्विगु, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूं, अगर आपको इन दोनों में कोई संशय है तो आप मुझे बता सकते हैं, इन दोनों में अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे हाँ जी, दक्षिता, दक्षिता बोलो बच्चे, ठीक है, दक्षिता समझ में आ गया, ओके मैम, वो थम्स अप किया था मैंने। हाँ जी बेटे, रिपीट अगेन, क्या कहना चाहते हैं आप बच्चे, दक्षिता क्या कहना चाहते हैं? मैम मैंने बस थम्स अप किया था कि मेरे को समझ आ गया। ओके ओके बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे। देखिए यही ग्रामर का टॉपिक, यही चीजें अंत तक जानी है, फाइनल तक जानी है, और हम समझेंगे नहीं, हम क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होंगे, बिलो देन 50% प्रेजेंस होगी तो मैं कैसे समझा पाऊंगी, मैंने घर जा जाके तो समझाना नहीं बेटा सबके, ओके। तो ये दोनों क्लियर हो गए, अब इन दोनों को करते कैसे हैं पहले ये देखते हैं। आपको प्रश्न दो तरह से आ सकता है, समास का विग्रह करें और भेद बताएं, और अगर बेटे मल्टीपल चॉइस में आता है वहां तो आप कह ही नहीं सकते ना प्रश्न क्या बन के आ जाएगा, ओके। तो समास का विग्रह करें और भेद बताएं, एक तो ये होता है, इसमें दिया होगा आपको समास का विग्रह करना होगा, जैसे चौराहा दे दिया और दे दिया भीमा अर्जुन, दो शब्द दे दिए, हमें इन दोनों का विग्रह करना है और भेद बताने बेटे। तो चौराहा, इसका विग्रह हम करेंगे, आंसर हमारा होगा चार राहों का समूह, और हमें भेद बताना होगा, ये हमारा है द्विगु समास, ये तरीका है करने का।
ओके, भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन, ये होगा हमारा द्वंद्व समास। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस, ओके, ये होगा हमारा द्वंद्व समास। उम्मीद है ये दोनों समास आपको स्पष्ट हो गए बेटे। अब अगर अगर इसका दूसरा प्रश्न देखें, ये तो क्वेश्चन नंबर स्टाइल नंबर वन हो गया, स्टाइल नंबर टू है इसका, समस्त पद बनाएं, समस्त पद बनाएं और भेद बताएं। समस्त पद बनाएं और भेद बताएं। अब इसमें क्या होगा, आपको दिया होगा फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ होगा दही कड़ी चावल, सॉरी कड़ी और चावल, आपको इस तरह दिया होगा कड़ी और चावल, ओके, या दिया होगा सात ऋषियों का समूह, आपको इस तरह दिया होगा और आपको इसका समस्त पद बनाना होगा और भेद बताना होगा। तो क्या करना है, इसका उल्टा, यानी कड़ी चावल को हम लिख देंगे यहां पे कड़ी हाइफन चावल, और साथ में हम लिख देंगे ये है द्वंद्व समास। ठीक है बेटे, अब सात ऋषियों का समूह, ठीक है, इसको हम लिखेंगे सप्तऋषि, ठीक है, और इसके आगे इसका उत्तर लिख देंगे द्विगु समास। मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है, फिर दोबारा बता रही हूं बेटा, द्विगु मीन्स, द्विगु का मीनिंग ही होता है दो गायें, द्विगु का अपने आप में मीनिंग होता है दो गायें, क्लियर करता है कि ये काउंटिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दो गायें। अब यहां पे अगर मैं वर्ड दे दूं, दो गायों का समूह, समस्त पद बनाएं और भेद बताएं, तो इसका समस्त पद भी सेम है, भेद भी सेम है, ठीक है, इसका समस्त पद होगा द्विगु और भेद होगा द्विगु समास। ठीक है बेटे, इतना स्पष्ट हो गया, उम्मीद है सबको इतना स्पष्ट हो गया होगा। शुड वी मूव टू द थर्ड, वैभवी तीसरे की ओर चला जाए, ओके, यस मैम, ठीक है बेटे। ओके नंबर थ्री, तीसरा हम करेंगे बेटे यहां पे कर्मधारय समास। स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से करने हैं, कर्म कर्मधारय समास, र आधा है, कर्मधारय समास, ओके, तीसरा। और चौथा हम करेंगे बहुव्रीही, बहुव्रीही, स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से करने हैं, बहुव्रीही समास। ठीक है बच्चे, अब हम पहले लेते हैं कर्मधारय समास। मैंने आपको बताया समास में हमेशा दो ही पद होंगे,
हमेशा दो ही पद होंगे समास में, ठीक है। तो कर्मधारय समास में एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा, एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा। ठीक है, कर्मधारय समास में एक विशेषण, एक विशेष्य। विशेष्य मीन्स संज्ञा शब्द, विशेषण आपको बहुत अच्छी तरह पता है एडजेक्टिव, विशेषण जो उसकी विशेषता बताता है। जैसे महात्मा, अब देखिए महात्मा शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, नाइन्थ में हमने संधि की, हमें पता है महान आत्मा, महा आत्मा, ओके। तो इसका हम विग्रह कर देंगे महान आत्मा है जो महान आत्मा है जो, या अगर हम इसे महान आत्मा भी लिख दें तब भी ये ठीक होगा, यानी एक विशेषण एक विशेष्य, महान विशेषण और आत्मा विशेष्य, ठीक है बच्चे। महान विशेषण आत्मा विशेष्य, महान आत्मा है जो, कौन सा समास हुआ ये, कर्मधारय समास। ओके, टेक अदर अनदर वर्ड, देखिए महात्मा के बाद हम लिखते हैं, हम लेते हैं नील गाय, विग्रह होगा नीली गाय है जो, ठीक है, नीली गाय है जो। पीतांबर, पीला अंबर है जो, पीत मींस पीला, अंबर मींस वस्त्र, हमें मीनिंग लिखना ही नहीं कहीं भी, पीत अंबर है जो, पीला अंबर है जो, ओके, पीतांबर। इसी तरह इसमें एक तो इस तरह के वर्ड्स होंगे, एक रूपी वाले शब्द भी होते हैं, जैसे क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि। अब देखो इसमें भी, इसमें भी बेटे दो ही शब्द हैं, एक क्रोध एक अग्नि, ठीक है, एक क्रोध एक अग्नि, आग जैसा गुस्सा, क्रो अग्नि रूपी क्रोध, ठीक है। इसका विग्रह होगा, पीछे वाला शब्द आगे ले आएंगे, अग्नि रूपी क्रोध। इसमें ज्यादातर पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाता है, जैसे देहलता, देहलता, लता मीन्स क्रीपर, देह मीन्स शरीर, जिसका बहुत पतला शरीर है बिल्कुल क्रीपर जैसा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लता को आगे ले आएंगे, लता रूपी देह, जिसका शरीर क्रीपर जैसा है, क्रीपर बेल, ठीक है, लता रूपी देह, कर्मधारय समास। एक विशेषण एक विशेष्य, एक विशेषण एक विशेष्य, कर्मधारय समास। बेटा स्पष्ट हुआ कर्मधारय समास, दक्षिता हो गया, और रूहानी 10th क्लास 10th बी, रूहानी बेटा क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, ठीक है बच्चे। हिमानी, यस मैम, यस बेटा। वृंदा, वृंदा बच्चे, वृंदा स्पष्ट हुआ बेटा, वृंदा मुझे मालूम तो होना चाहिए, यू आर यू इन द क्लास और नॉट, एनी साइन, एनी वॉइस, वृंदा आर यू देयर, कांट से कहीं घूमने निकली हुई है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट पे चलू मैं, बहुव्रीही समास। अब ये जो बहुव्रीही समास है ना, ये किसी तीसरे को इंडिकेट करता है, यानी इसमें भी दो पद हैं, ना पहला पद ना दूसरा पद, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, किसी तीसरे की ओर हम इशारा करते हैं। जैसे ये देखिए, किसी तीसरे की ओर इशारा, यानी किसी एक खास का नाम होता है इसमें, किसी तीसरे की ओर इशारा, ना फर्स्ट प्रेफरेंस ना सेकंड प्रेफरेंस,
तीसरे की ओर, जैसे लंबोदर, मैं किसको मिटाऊं, ये वर्ड मिटाती हूं, जैसे बेटे लंबोदर। अब इसमें भी दो शब्द हैं, एक लंबा और एक उदर, संधि हुई हुई है आपको पता है, लंबा आ और ऊ मिलके ओ बने हुए हैं, ठीक है, लंबोदर। तो इसमें लंबा और उदर दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसे हम कर्मधारय में ले जा सकते हैं, लंबा विशेषण है, उदर पेट, कर्मधारय में ले जा सकते हैं लंबोदर। लंबोदर तो केवल और केवल श्री गणेश को कहा जाता है, किसी और का नाम लंबोदर नहीं होता, किसी और को लंबोदर नहीं कहा जाता, ठीक है। तो लंबोदर श्री गणेश को कहा जाता है, ना लंबे की इंपॉर्टेंस ना उदर की इंपॉर्टेंस, इट इज इंडिकेटेड समवन एल्स। लंबोदर लंबा, उदर लंबा या बड़ा, उदर है जिसका, है जिसका, जिस, देखो ये लाइन जब आप बोलते हो ना, जब ये लाइन बोलते हो ना, बड़ा उदर है जिसका, कौन भाई, कौन भाई, आगे क्वेश्चन आता है कौन, तो हमें देना होगा श्री गणेश, श्री गणेश। और इसका भेद हो गया बहुव्रीही समास। अब आप कहेंगे कि मैम हम लोगों को अगर ना नाम पता हो, लंबोदर ना याद आए किसको कहा जाता है, तो समस्या हो जाएगी। तो बेटे वेरी फ्यू वर्ड्स आर देयर, हम अपनी बुक में ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें प्रैक्टिस के साथ पता चल ही जाएगा। जैसे जैसे नीलकंठ हमने उसमें किया था, इधर लेके गए थे, ये देखिए नील गाय ने नीलकंठ, अब नीला कंठ भी हो सकता है, नीला गला किसी ने कलर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें मालूम है नीला गला किसका होता है, नीला कंठ है जिसका, या तो पक्षी विशेष, एक पक्षी होता है ना बेटा नीलकंठ जिसे हम कहते हैं, या तो हम ब्रैकेट में लिख दें पक्षी विशेष, यहाँ लिखेंगे नीला कंठ है जिसका, ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट जरूरी होती है बहुव्रीहि समास में, हम लिख देंगे पक्षी विशेष और बहुव्रीहि समास। अब इसका विग्रह ऐसे भी हो सकता है, नीला कंठ है जिसका शिव जी, बहुव्रीहि समास, ठीक बच्चे, ठीक है। इसी तरह सो मेनी वर्ड्स आर देयर, जैसे वो है अंशुमाली, अंशुमाली मैं लिख रही हूं, वर्ड है अंशुमाली, कई जगह पे ल को बड़ी डाली होती है, कई जगह पे ल को छोटी ई भी डाली हुई होती है, नियर अबाउट टाइम इज अप, चलिए देखिए अंशुमाली, अंशु मीन्स किरने, माला है जिसकी, सूर्य ब्रैकेट में आएगा सूर्य, ठीक है, अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। मैं अपने लेक्चर को यही विराम दे रही हूं, हम कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि में, मुझे आपको अंतर स्पष्ट करना है अभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कर्मधारय में एक विशेषण है, एक विशेष्य है, बहुव्रीहि में किसी तीसरे का नाम लेना होगा हमें, ठीक है। जैसे मैं कह दूं अश्रु गैस, अश्रु मीन्स आंसू, गैस मीन्स गैस, लेकिन ये तो एक गैस विशेष की बात की जा रही है, अश्रु लाने वाली गैस, ब्रैकेट में लिख देंगे गैस विशेष, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो मैं यहाँ आज अपने लेक्चर को विराम दे रही हूँ बच्चे।